उसे जहन्नुम पहुंचा दिया? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाइयों, अब वो वक्त आ गया है कि हम अपने भाइयों की शहादत का बदला इन हिंदुस्तानियों से ले सकें। और इस नेक काम में अगर आपकी जान भी चली गई तो आपको जन्नत मिलेगी। कल ठीक 12 बजे सभी जगहों पर ब्लास्ट होगा, और जब तक यह खबर पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी, आप लोग मुल्क छोड़कर नेपाल में दाखिल हो चुके होंगे, और फिर नेपाल के रास्ते वतन वापसी लौटने की जिम्मेदारी शब्बीर संभाल लेगा। और याद रहे, हमें सिर्फ कामयाबी चाहिए, क्योंकि नाकामयाबी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने तुम्हें पहले अलर्ट किया था, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया। हमारे फौज के लिए कितनी शर्म की बात है कि एक इंडियन कमांडो को एक पाकिस्तानी लड़की ने मात देती। सर, मात मोहब्बत में मिली है, लेकिन मेरी मर्दानगी उस पाकिस्तानी लड़की को उम्र भर याद रहेगी। इडियट, अगर ये बात मीडिया में आ गई तो तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बैठ जाएगी और उन दोगलों को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी बहादुरी पे लगे हुए दाग को धोना चाहता हूँ। मामला हमारे देश की सुरक्षा का है, हजारों लोगों की जान का है, और समय है सिर्फ 24 घंटा। कैसे रोकोगे ये तुम्हें डिसाइड करना है। मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट दूंगा। सर, उन दोगलों को हमेशा हमने मात दी है और इस बार भी देंगे। जय हिंद सर। Thank you.
इतना गौर से फोटो के काहे देखत हर? इ फोटो में हमारे जीवन के मकसद जुड़ल बा। आरती की जगह लोगों की चीखें सुनाई देगी। अपने बच्चों को गले लगाने की बजाय माँ बाप उनकी लाशें उठा रहे होंगे। खाने की हर प्लेट में मांस के लोथड़े होंगे। चहल पहल की जगह सन्नाटा पसरा होगा। मतलब मंदिर, स्कूल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, क्या प्लान है तुम्हारा? सर इनका ब्लास्ट लोकेशन है 4 चंद्रिका देवी टेम्पल, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, सिटी स्कूल और सिंगापुर मॉल। मंदिर खुलेगा 5 बजे, स्कूल खुलेगा 7 बजे, रेस्टोरेंट खुलेगा 9 बजे और मॉल खुलेगा 9:30 बजे। इसका मतलब उनका बम प्लांट करने का शार्प टाइम होगा 9:30 बजे। लखनऊ से सबसे करीब नेपाल बॉर्डर है नानपाड़ा, जिसकी ड्राइविंग दूरी है 162 किलोमीटर और उसको क्रॉस करने में 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 2 घंटा 10 मिनट लगेगा। मतलब कि 9:30 बजे वो लोग बम प्लांट करेंगे और नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने में 2 घंटा 10 मिनट लगेगा, यानी 11:40। तो 12 बजे इनका बम ब्लास्टिंग का टाइम होगा और बम ब्लास्टिंग से 20 मिनट पहले ये लोग हिंदुस्तान छोड़ देंगे। फिर हम इन्हें बम प्लांट के साथ ही पकड़ लेंगे सर। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो स्पॉट पर भगदड़ मच जाएगी और वो लोग उसका फायदा उठा लेंगे। फिर तुम्हें मात्र 2 घंटा 10 मिनट में ही बम को डीएक्टिवेट करना है और उन लोगों को बॉर्डर के अंदर पकड़ना भी है। आई नीड योर हेल्प सर। जस्ट वेट। सुबेदार सिंह, अमित वर्मा, अमनदीप और जावेद खान, हमें उन्हें पकड़ना है, उन्हें छोड़ना नहीं है। यह हिंदुस्तान के आन बान और शान की बात है। वी हैव टू फिनिश देम ऑफ।